शुगर मिल कहाँ पे पड़ेगा? शुगर मिल पड़ता है। रिदौली कहाँ पे? रिदौली जाने में पड़ती है। रिदौली जब बहुत छोटे थे तब से मैं इनको जानता हूँ। डॉक्टर निहाल रजा रुदौली के एक समाज सेवी हैं। मरीजों का आई हॉस्पिटल है आपका है। उसमें सबको जो है दवा आई का जो उसका क्या कहते हैं ऑपरेशन होता है वो फ्री करवाते हैं। बीमार लोगों को उनका इलाज करके, गरीब बीमारों को मुफ्त इलाज दे करके उनकी सहायता करते रहता है। क्या हुआ आपको, दिखाया आपने? बताया, मोतियाबिंद है। अच्छा, मोतियाबिंद है। अच्छा अच्छा, ऑपरेशन होगा इनका, ठीक है। अच्छा अच्छा, इनके मोतियाबिंद है और मोतियाबिंद मीन से कैटरेक्ट, तो इनका ऑपरेशन होना है। आपका ऑपरेशन हो जाएगा, पैसा ही खर्चा होगा, सब हो जाएगा। हमारी गाड़ी जो है एम्बुलेंस आपको लेके जाएगी और आपका फ्री ऑपरेशन हो के आएगा, यहाँ चली जाइएगा। इन्होंने अपनी स्कूल एज में YF के नाम से एक मैगज़ीन निकाली इन्होंने, और ये उस वक्त से लोगों के अच्छाइयों के लिए कि क्या क्या चीज़ें लोगों के लिए यहाँ ज़रूरी हैं वो उसके लिए काम करते रहे। मेरी शादी को 35 ईयर्स हो गए हैं। मैं 82 में आई थी डॉक्टर साहब के साथ। तब डॉक्टर साहब का एक छोटा सा क्लब था, यूथ फेडरेशन YF के नाम से। डॉक्टर साहब उसमें जुड़े थे, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते थे। उसके बाद से धीरे धीरे ये लायंस क्लब में जुड़ गए और फिर बहुत ज़्यादा। और लायंस क्लब का तो जो है ये खिदमत खल्क, ये जन सेवा जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक एक्टिविटीज़ बंद हुई और डॉक्टर साहब की दूसरी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। फिर इस तरह से एकदम से उनके साथ एक वाक़या पेश आया जो
उनकी हड्डियों की बीमारी उनके साथ लगी और वो आज तक है। इसके बावजूद उन्होंने रुदौली में बड़े बहुत सारे काम किए, बड़े बड़े काम किए, अन्य बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज के माध्यम से आपने सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई। डॉक्टर साहब को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग, प्रदेश लेवल पे यानी यूपी लेवल पे भी लोग प्यार करते हैं और जानते हैं। बहुत अच्छा सर्किल है डॉक्टर साहब का। मुझे याद है रात में तकरीबन 2 बजे मैं यहाँ से करीब 4 किलोमीटर भैलसर एक जगह है वहाँ से मैं पैदल आया, क्योंकि मुझे रिक्शा नहीं है मेरा अबू। और यहाँ पर जब मैं आया ना तो आपका छोटा सा अस्पताल यहाँ पर था, आप घर में नहीं थे। मैंने पूछा अपनी माँ से कि मेरे अबू कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि बाहर कोई पेशेंट आया है वो वहाँ पर है। यहाँ पर पास में मेरा एक जनरल वार्ड था, ऐसे ही गाँव में जैसे होता है, एक बेड पड़ा हुआ था, एक तख्त पड़ा हुआ था। तो वहाँ पे मुझे याद है कि एक बूढ़ा सा आदमी और उसकी बेटी को, उसको डिलीवरी होने वाली थी, जबकि डिलीवरी कराने वाले डॉक्टर नहीं थे, लेकिन यहाँ पर छोटा जगह है तो सबकी हेल्प करना पड़ती है। तो उन्होंने उसकी डिलीवरी में हेल्प की, वो बच्चा डिलीवर हुआ। तो जब मैं घर में, मेरे फादर आए, मैं उनसे नाराज़ हुआ और मैंने उनसे कहा कि अब्बू आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, क्यों इतना पैसा कमाने के लिए आप ये सब करते हैं, इट्स नॉट गुड, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, क्यों 2 बजे रात में आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो कुछ नहीं बोले वो, कुछ भी नहीं बोले वो। और मुझे याद है कि अच्छी तरह से उन्होंने कहा कि आपका क्या हुआ, चश्मा लगना। अच्छा, आपने जांच करा ली? हाँ, करा ली। ठीक। आप कभी यहाँ इससे पहले आई हैं? हाँ। तो यहाँ का काम कैसा, आपको ठीक लगा? बहुत अच्छा है। मतलब इन लोगों ने दोनों आँख आपने खुलवाई? अच्छा, दोनों आँख खुलवा चुकी हैं। अच्छा, ऑलरेडी दोनों आँखों का ऑपरेशन यहाँ हो चुका है? ओके। फिर नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठा तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ आओ। फिर मुझे वो जहाँ पर वार्ड है वहाँ ले गए, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत गरीब लेडी जो थी वहाँ पे मौजूद थी। हमसे उन्होंने कहा कि तुम क्या समझ रहे हो कि मैं पैसे के लिए सब कुछ काम करता हूँ, एक्चुअली इसका बाप जो है वो ब्लाइंड है, तो अब बहुत गरीब है, इसके पास पैसे नहीं है, इसका इलाज हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इसका बाप जो है वो ब्लाइंड है, उसको दिखाई नहीं देता, बहुत गरीब है, इसके पास पैसे नहीं है, तो मैं दूसरे अस्पताल नहीं जा सकता, इसलिए मैंने उसका ट्रीटमेंट किया और उसको बच्चे को ये डिलीवरी कराने में मैंने हेल्प की, तो मैं इसलिए काम करता हूँ, मेरा मकसद कभी पैसा कमाना नहीं रहा। मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ। एट दैट टाइम आई वॉज इन इंटरमीडिएट, मेरी बहुत कम एज थी, तो उसके बाद से तब से मैं धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा ये सब काम है। अब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैंने सोचा कि यहाँ पर जैसे मैं क्लिनिक में काम कर रहा हूँ तो मैं करीब 60-70 लोगों के लिए काम करता हूँ। सबसे पहले तो ये जो लोग यहाँ आँख की बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं, तो उन्होंने इसके लिए ऑपरेशन के लिए यहाँ डॉक्टर्स को बुलाते थे, आई कैंप लगवाते थे और उसमें लोगों के ऑपरेशन होते थे, उनको आई ग्लासेस दिए जाते थे। मेरी आँखें खराब थी
तो निहाल रजा भैया को दिखावा तो कहीं कि जो है आपकी आँखी जो है ऑपरेशन होगी। तो लखनऊ ले जाके ऑपरेशन हमारी आँखी कराया। पहले से हमें बहुत ठीक दिखा दी, दोनों आँख से हमारी ऑपरेशन हुआ, दोनों आँख ठीक दिखाती है। लगभग 5 वर्ष हुए रजौली के प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर निहाल रजा साहब ने मेरी आँखों में लेंस डलवाया और उससे मुझे पूर्ण संतुष्टि मिली और मैं अब भली भांति सबको देख रहा हूँ। बिना पैसा का ऑपरेशन कराएं डॉक्टर साहब, कुदरतन हर व्यक्ति का, हर गरीब का ध्यान रखते हैं और सबकी मदद करते हैं। पूरा पहले तो मैं 400-400 पेशेंट आई के जो होते थे, जो आई ओएल कैंप लगाते थे, घर में लगते थे नीचे, तो मैं उन सारे पेशेंट को खिचड़ी खुद अपने हाथ से पका के खिलाती थी। लेकिन जब मैं इससे थोड़ा सा बाहर आता हूँ तो मुझे हज़ारों लोग मिल जाते हैं, उनके लिए काम करते हैं और फिर मुझे अच्छा अंदर से भी अच्छा लगता है उनके लिए काम करना, उनके लिए करना। पहले हम लोग आई कैंप्स लगाया करते थे, अब तक करीब 16,000 लोगों के हम लोग आई ऑपरेशन करा चुके हैं। वही एक लंबा अरसा हो गया तब से हमारे अम्मी और अबू की दुआओं से और खुदा की मेहरबानी से हम ये थोड़ा बहुत काम कर पा रहे हैं और थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारे जो रजौली के लोग हैं, जो बाशिंदे हैं यहाँ के, जो यहाँ के आम लोग हैं, उनका बड़ा कोऑपरेशन रहा, उनकी बहुत दुआएं रही। खड़क कपर तिल सूली हाथी रात बीज को भस्म करे, सोम शोभाओ धरो मेरी माता जन की अरज कबूल कर, संतन प्रतिपाली सदा खुशाली जय काली कल्याण कर, मंगल की सेवा सुन मेरी देवा हाथ जोड़ तेरे बार करे, पान सुपारी वजा नारी ले जाला तेरी भेंट दर, बोले काली मैया की, बोले भोलेनाथ की, बोले सभी देवी देवताओं की। तो धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा और अब तो ये मेरी कमज़ोरी हो गई कि मैं बगैर इसके रह नहीं सकता। रजौली वाले लोग इसमें सब में रजौली के लोगों का बड़ा सपोर्ट रहा, बहुत मदद रही, उन्होंने बड़ी मदद की मेरी, काफ़ी इनक्रेज किया उन्होंने, इवन जो मीडिया है उसका भी बड़ा सपोर्ट रहा। मैंने तो मतलब बस क्या बताऊँ कि डॉक्टर साहब शायद समाज के लिए ही जी रहे हैं वो। मैंने इतना ज़्यादा वर्क, कभी कभी मैं कहती हूँ, बच्चे भी कहते हैं कि अब्बा अब आप 62 ईयर्स के हो गए हैं, अब आपको घर में रहना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो मतलब रात में सोते हैं तो सोचते रहते हैं कि आज मुझे कौन, कल मुझे कौन सा काम करना है, ये सोच के सोते हैं। और बहुत ज़्यादा एक एक्टिविटी पूरे शहर में इन्होंने वाटर कूलर लगवाए हैं, इन्होंने पैसेंजर शेड बनवाए हैं, इन्होंने फैमिली प्लानिंग के कैंप किए हैं, इन्होंने ऐसे एक एक गांव एडॉप्ट कर लेते हैं और उसके जितने भी वहां के लोग होते हैं सबका आई चेकअप, सबकी ऑपरेशन, किसी का मेडिसिन, किसी का मतलब रोज़ का, यही रोज़ का है। डॉक्टर साहब खुद एक मुस्लिम फैमिली से हैं, बावजूद इसके अयोध्या के जो महाराज, जो पुरोहित, जो साधु संत हैं, उनके भी ताल्लुकात डॉक्टर साहब से बहुत ज़्यादा वसी हैं। किसी को कभी कंबल, मैं जाड़ों में जनवरी फरवरी में मैं कम से कम 500 कंबल गरीबों को देती हूँ, डॉक्टर साहब भी देते हैं, मतलब वो लाते हैं और उनका शौक़ है अपने, मतलब बस चटनी रोटी का तो हो जाता है, हम लोग खाते पीते हैं बस, इसके अलावा डॉक्टर साहब की कोई, सब जितना भी पैसा वो करते हैं अर्न, मतलब क्लिनिक से आता है कमाते हैं, सब ख़त्म कर देते हैं सब, मतलब यही सब। समय की मांग का जिनको सुनाई स्वर नहीं देता,
समय करवट बदलने का उन्हें अवसर नहीं देता। नशीली फागुनी ऋतु है सभी के वास्ते, लेकिन सभी के हाथ में पिचकारियां ईश्वर नहीं देता। तब उसके बाद इन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज नहीं था, कॉलेज तो इन्होंने डिग्री कॉलेज बनवाया। फिर वहीं जहाँ पर शुगर मिल है वहाँ पर एक लायंस पब्लिक स्कूल उन्होंने खोला। डॉक्टर निहाल राजा शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को पढ़ाई के अवसर दे करके, गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद दे करके। उस ज़माने में जब मैं छोटा था तो चिकन पॉक्स जैसी चीज़ें होती थी, बच्चों को चेचक निकल आता था, बच्चों को मलेरिया हो जाता था, उन्हें इस वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। हज़ारों की तादाद में ऐसे हैं जिनको, जो बच्चे वैक्सीनेशन नहीं करते थे, उनको वैक्सीनेशन नहीं होता था, उन्हें प्रॉपर टीके नहीं लगते थे, जिसकी वजह से उन्हें पोलियो, उन्हें टीबी और उन्हें डिप्थीरिया, टेटनस जैसी बीमारियां हो जाती थी। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ देयर एजुकेशन, क्योंकि उनकी माँ उनके बाप को वो इसकी जानकारी नहीं थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको एजुकेट करना, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करना। ये अपने में बहुत बड़ा काम है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जाएं और जाके उनको वैक्सीन लगाएं, बेटर ये है कि हम लोगों को एजुकेट करें और लोगों को ये कम्युनिकेट करें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। ख़ासकर अब मुझे आपकी वो बात याद है जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था। Sometimes my wife and my children also suffer, but I have a great encouragement from my wife and my children. They are helping us everything. Earlier my father was helping me. इससे पहले मेरे father थे, वो बड़ा encourage करते थे। उन्हें कहा नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। जब मैं डिग्री कॉलेज बना रहा था, तो जब स्कूल बना रहा था मैं, तो मेरे father ने मेरे बड़ा बहुत encourage किया कि if you have interest for doing such type of work, you do it. उन्होंने बड़ा मुझे encourage किया। My father was practicing over here. This was his clinic. So after his death, I have donated this portion for this noble cause, for this just making an eye hospital over here. So this is in memory of my mother. Her name was Maryam. फिर उसके बाद एक पब्लिक, एक इन्होंने मरियम आई हॉस्पिटल का, इन्होंने यहाँ पर अपने घर के पास में ही इन्होंने लाइन पब्लिक खोला, मरियम आई हॉस्पिटल, और इसमें लोगों को ऑपरेशन करवाते थे उनका, और उसके बाद उनको उनके घर भिजवा देते थे। और आज मैं जो भी हूँ, अपने फादर, मदर, अपनी वाइफ, बच्चों और जो रुदौली के लोग हैं, रुदौली के जो रहने वाले लोग हैं, उनकी वजह से। शुरू में कुछ लगता था कि इग्नोरेंस फील करती थी कि डॉक्टर साहब पूरा दिन बाहर हैं और मैं घर में अकेली बच्चों में, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने भी सरेंडर कर दिया, आदी बन गई और मैंने भी थोड़ा बहुत दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया इनके काम में। Thank you.
आँखों के जो अतिया है, जो डोनेशन है नेत्रदान, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को इंसिस्ट करते हैं कि लोगों को जो बच्चों में ब्लाइंडनेस है उसको कवर करने के लिए लोगों को अपनी कार्डिया को डोनेट करना चाहिए। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था पायनियर में, मुझे याद है, आई रिमेम्बर कि आई वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, उसी ट्रेन में कलबे साई साहब बैठे हुए थे। तो उन्होंने पढ़ा तो बहुत, ही वॉज़ वेरी इम्प्रेस। तो हमने कहा लेकिन मौलाना साहब हमें दिक्कत ये है कि जो मौलाना हैं आलिम हैं वो हमारे अगेंस्ट हैं, वो कह रहे नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो नहीं, वो बहुत इम्प्रेस हुए, कह नहीं ऐसा नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इट्स नॉट अगेंस्ट इस्लाम, इट्स ए इस्लाम इज़ ए रिलीजन ऑफ चैरिटी। और दूसरी बात, जहाँ तक उसकी बात है, तकरीबन 25,000 मुस्लिम बच्चे ऐसे हैं जो क्या नाम है, इस कार्नियल ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहे हैं। तो अगर हमारे इस तरह से कार्निया देने से उन बच्चों की ज़िंदगी में रोशनी आ जाती है तो इट्स नॉट अगेंस्ट इस्लाम। इसका मतलब है कि हम इस्लाम को सही ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं, सही तस्वीर इस्लाम की हम नहीं पेश कर रहे हैं। जैसे पड़ोसी के लिए है कि पड़ोसी को का हक पहले है, उसमें पड़ोसी के लिए ये डिस्क्राइब नहीं किया उन्होंने कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। इसका मतलब हम सब के लिए काम कर सकते हैं, मुसलमान के लिए भी कर सकते हैं और हिंदुओं के लिए भी कर सकते हैं। तो वाई वी नॉट डोनेट दिस कार्निया टू अदर पीपल ऑफ हु आर नॉट मुस्लिम। तो व्हेन आई डिस्कस दिस टू मौलाना कलबे सादिक साहब, तो ही हैज़ गिवन मी दिस क्या नाम है दिस लेटर ऑफ हिज अथोराइजेशन। उन्होंने मुझे दिया कि यू कैन यूज़ दिस लेटर एंड यू जस्ट कम्युनिकेट इट टू द पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी एंड अदर कम्युनिटी आल्सो। एंड मैं और लोगों से भी बात कर रहा हूँ, दूसरे जो मौलाना हैं कि वो भी इसमें आएँ और इस मिशन में वो हमारा साथ दें। ऐसे लोग जिनके पास धनराशि नहीं है, पैसे नहीं हैं, उनको भी जीने का अधिकार है। उनको उत्तम स्वास्थ्य सेवाएँ देने के लिए डॉक्टर साहब प्रयास करते हैं, ये उनका बड़प्पन है और बहुत अच्छी बात। आपकी मेहनत, लगन व किसी भी चीज़ को लेकर के डेडिकेशन की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। इस लिहाज से डॉक्टर साहब रुदौली के एक ऐसे रत्न हैं, एक ऐसी विभूति हैं जो हम याद किए जाते हैं, याद किए जाएंगे हमेशा। मैं अगर मुझसे कोई कहे कि आप अगर रीबर्थ होता हो तो अगले जन्म में आप क्या होना पसंद करोगे, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं रुदौली में ही मेरा बर्थ हो और मैं फिर इन लोगों के लिए काम करूँ, पूरी ज़िंदगी इसमें सर्व करूँ। ज़िंदगी में ये भी बहुत अहम चीज़ है जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, जो डॉक्टर निहाल कर रहे हैं, वो बहुत अहमियत इसका यहाँ नहीं, खुदा हमको आखिरत में इसकी जजा देगा, ये मुझे यकीन है।